ये एक बंदा आके मेरे क्लब के ऊपर राहु केतु सब बन के बैठा हुआ है, वो है और कोई नहीं, हमारा सबका चहीता, और राइट नाउ हम सबका मोस्ट हेटेड पर्सन राइट नाउ इन मोहन बगान कैंपिस जुआन फेरांडो। मोस्ट हेटेड बोलना बिल्कुल भी ओवररेटेड नहीं होगा, क्योंकि देखो पिछले दिन तक मैं ये बोल रहा था, मैं खुद को समझा रहा था, कोच सेक करके कुछ नहीं होगा, सिस्टम तो अपने आप की जगह में है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट भाई मैं शांत नहीं रह सकता। मेरे मुंह से आज अगर कुछ गाली फाली निकल जाए तो मुझे माफ कर देना भाई, इतना झंड टीम और इतनी झाटू प्लेयर्स और इतने चार पैसे चार कौरे की टैक्टिक्स मैंने कभी नहीं देखी भाई। मैंने तो फुटबॉल कोचिंग भी नहीं किया, कोचिंग डिग्री भी मेरे पास नहीं है भाई, इससे अच्छा कोचिंग भाई मेरे पारा का जो काका बैठ के चाय के ठेके में ज्ञान देता है वो इससे अच्छा कोचिंग करा लेगा। ये बंदा क्या कोचिंग कराता है एकमात्र यही बंदा जाने, ये मोहन बगान की टीम को क्या सुपर टीम बना रहा है यही बंदा जाने, इसने 7 नेशनल टीम प्लेयर्स को खरीद के क्या तीर मार लिया सिर्फ यही बंदा जाने, और मैनेजमेंट जो पिछले साल ISL जीतने के बाद उस सुपर टीम के साथ, जो पिछले साल लीग की मोस्ट कॉस्टली टीम थी उस टीम के साथ सुपर कप जीतने के बाद भी धै धै करके नाचते नाचते इसी कोच को इस टीम का कोच रखा। एज अ रिजल्ट देखो कोच तो नहीं सेक करेगा मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को टीम ने ट्रॉफी दिया है, क्योंकि मैनेजमेंट तो आंख से देखती नहीं, मैनेजमेंट सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल के दिन आती है, टीम का परफॉर्मेंस देखती है, ट्रॉफी लेके 3-4 बार नाच लेती है और उनके लिए काम खत्म हो जाता है। बट फैंस जो सारी सारा साल देखता है फुटबॉल, वो जानता है कि मैं पिछले साल ही जान गया था कि भाई मोहन बगान तब प्रॉब्लम में है जब जुआन फेरांडो इस टीम का कोच था। मैंने खुद जुआन फेरांडो की इस साल कुछ तारीफ जरूर की है, करूंगा भी, जब टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तारीफ भी करूंगा, बुरा खेलेगी गाली भी देगी, बट अब टीम जो स्टेज में है ना वहां से नो रिवर्सल स्टेज है भाई, क्योंकि आज मुझे कोई ये समझा नहीं पाएगा कि भाई हमारी टीम की बहुत प्लेयर्स इंजर्ड थे, बहुत प्लेयर्स को प्रॉब्लम था इसलिए हम हार गए। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम घुसा लो अपने वहां पे, क्योंकि भाई एक एक बार भी झूठ मत बोलना, केरला से ज्यादा तुम्हारा सिचुएशन बुरा नहीं हो सकता। केरला के पास जो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स उन्होंने सहाल को इस सीजन में लॉस किया, उसके जगह में वो कुछ नहीं ला पाए, दे एब्सोल्युटली ब्रॉट ऑन नथिंग फॉर द टीम एज वेल। उसके बाद मिडफील्ड में चले जाओ, मिडफील्ड में उनके लिए जीक्सन जो टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो इंजर्ड होकर बाहर बैठा हुआ है, उन्होंने दानिश को आईमेन को और अजहर को अपने एकेडमी से लेके, स्पेशली अजहर और आईमेन को अपने एकेडमी से लेके आके खिला रहे हैं एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। टीम एक टैक्टिक्स के साथ खेल रही है, हर एक दिन हर एक बंदा गिविंग देयर 100%। मोहन बगान के पासिंग और केरला के प्लेयर्स के पासिंग देख लो, इसके बाद भी अगर मुझे कोई ये एक्सक्यूज दे कि भाई नहीं भाई हमारे प्लेयर्स इंजर्ड थे इसलिए हुआ, उस बंदे को मोहन बगान का फैन कहना गद्दार होगा। वो बंदा गद्दार है जो इसके बाद भी ये कहेगा, क्योंकि इस बंदे के पास सब कुछ था, जुआन फेरांडो हैड एवरीथिंग। उसके बाद मुझे बहुत लोग पिछले दिन भी बहुत लोग ज्ञान ये दे रहे थे कि नहीं भाई उसको मैनेजमेंट ने उसकी बात नहीं सुनी, उसको एक CDM नहीं दिया, उसको 3 स्ट्राइकर दिए। भाई ये कोच क्या झंड मारने के लिए बैठा हुआ है वहां पे कोच होने को? कोच हुआ क्यों है? कोच इसलिए हुआ है क्योंकि उसको ले आना पड़ेगा अपने फेवरेबल प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स जो भी मांगे थे मैनेजमेंट ने दिया, फॉरेन प्लेयर्स अगर उनको लग रहा था कि भाई मुझे एक CDM चाहिए, काल मक्यू को छोड़ा क्यों ये मुझे सवाल दो, ही इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट। आमिर जाहू के बाद अगर लीग में सबसे सक्सेसफुल कोई CDM है तो वो है काल मक्यू, जो टीम के प्रॉब्लम को अकेले ही रोक देता है 2 से 3 बार हर एक मैच में, और उसके पास वो सेट पीस से भी प्रोवेस है। व्हाट हैव यू गॉट आफ्टर दैट? उसके बाद दीपक टांगनी को पिछले साल आपने खरीदा, वो पिछले साल ही बुरा खेला था, इस साल तो इंजरी के बाद आया, कुछ बोल भी नहीं सकते। उसके बाद आपके पास ग्लेन मार्टिन है जिसको आपने लेनी रॉड्रिगेस जैसे अच्छे प्लेयर को दान पेटी में डाल के उसको ले आए थे, हाउ इज ही परफॉर्मिंग? अरे भाई मैं एंग्री रेंट मैन जैसा उतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ, रोज आके मैं गला फाड़ के बोल भी नहीं सकता, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, लॉजिकली मुझे ये आंसर अगर कोई दे दे तो मैं मान लूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को जानते हैं एंड दे नो कि भाई मैं बेकार में किसी प्लेयर को गाली गलौज या बेकार किसी कोच को गाली गलौज देने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अगर एक टीम अच्छा फुटबॉल खेलती है दे शुड बी प्रेज्ड बिकॉज अच्छा फुटबॉल टीम है। मोहन बगान का प्रॉब्लम बहुत मैनीफोल्ड में है। दूसरा, मोहन बगान के पास अभी भी जो स्क्वाड है इजिली वो केरला ब्लास्टर्स को हरा सकती थी। मोहन बगान कोई टीम की तरह खेलती ही नहीं है, मोहन बगान प्लेज लाइक एन एमेचर स्क्वाड, एक एमेचर स्क्वाड की तरह मोहन बगान पिच पे उतरती है, एमेचर स्क्वाड की तरह खेलती है, घर लौट जाती है। प्लेयर्स के कमिटमेंट इशूज है, प्लेयर्स क्लब के लेगेसी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। मैंने पिछले दिन भी कहा था कि जो इस क्लब के लिए खेल पाएगा सिर्फ वही जानता है, जो इस क्लब का जर्सी का वैल्यू समझेगा वही मोहन बगान के लिए खेल पाएगा। मोहन बगान के प्लेयर्स आज भी वही लैकलस्टर थे। केरला के प्लेयर्स अगर 10 पैर दौड़ रहे तो ये 3 पैर तक दौड़ के
हाफ हाफ ले रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं देयर गास्पिंग फॉर एयर। तो फिटनेस का कोच यहाँ पे क्या वो क्या कर रहा था ये बंदा, मुझे नहीं पता। हाउ इज ही स्टिल इन द क्लब, उसको क्यों सैक नहीं कर दिया गया, क्योंकि भाई देखो भाई आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ हियर, ठीक है, इसलिए मैं कुछ गाली गलौज नहीं कर रहा। बट ये अगर 3 साल या 4 साल पुराना मैं होता तो यहाँ पे गालियां देता, क्योंकि देखो मैनेजमेंट ने पूरे इस टीम को फक्ड अप कर दिया है विदाउट अ डाउट। जो डोंट फील लाइक वॉचिंग आईएसएल एनीमोर, दिस जस्ट फील्स टू वॉच दिस टीम। सबसे बुरी बात क्या है जानते हो, टीम बुरा खेले, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि टीम बुरा खेल रही है। टीम का प्रॉब्लम यह कि टीम तो टीम की तरह खेल ही नहीं रही। व्हाट आर दे डूइंग भाई, देखो भाई आई डोंट नो हु इज द विक्टर रिप्लेसमेंट। जब मुझे न्यूज आएगा आई विल एब्सोल्युटली मेक न्यूज। मोहम्मद डोंट वरी, आई विल मेक न्यूज अबाउट दिस सिनेरियो एज वेल। मोहन बगान के 3 प्रॉब्लम्स है, जिस 3 प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे बैठ के मैं आपको समझा सकता हूँ। नंबर 1 जो प्रॉब्लम इस टीम के पास है वो है मोहन बगान के पास कोई क्रिएटिव ऑप्शन नहीं है मिडफील्ड में। यस, हुगो बुमू, ये बंदा ये हुगो बुमू इज राइट नाउ लाइक 2023। अगर मैं 2023 में किसी एक 1970s के हीरो को यहाँ पे ले आके बोलू सिनेमा का हीरो बनो, भाई उसका सिनेमा हिट नहीं करेगा, उसका सिनेमा हिट नहीं करेगा। वही सिनेरियो है सेम विद हुगो बुमू। 4-5 साल पहले ये बंदा खेलता था, उसको अभी भी ले आके खिला रहे हैं। पिछले साल भी ये बंदा जब खुद को या लगता है कि आज मैं अच्छा फुटबॉल खेलूंगा तो खेलता है। जब इस बंदे को देख के मुझे सीरियस फुटबॉलर की याद नहीं आती। ही इज नॉट अ सीरियस फुटबॉलर भाई, ही इज नॉट अ सीरियस फुटबॉलर। अपार्ट फ्रॉम दिमित्री पेत्रातोस एक भी फॉरेनर काम का नहीं है, एक भी। उससे क्या हाल में आया था, क्या हाल बन चुका है, मतलब क्या कोचिंग करता है कोच, मुझे ये क्वेश्चन है। हेक्टर यूस्टे के क्वालिटी को आपने कैसे इतना घटा दिया। सेकेंडली जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपके पास क्या ऑप्शंस, व्हाट आर द ऑप्शंस यू गाइस हैव। आपके स्ट्राइकर जेसन कमिंग्स तो यहाँ पे बेसिकली घूमने आया है और यहाँ पे अपना रिटायरमेंट का पैसा कमाने आया है, सो ही हैज नो मोटिवेशन एज वेल। तो व्हाट इज योर सोल्यूशन टू दैट। आपके पास एक ऑलमोस्ट 20 गोल्स मारा हुआ प्लेयर दैट इज सुहेल अहमद भट्ट, जो बेंच में इनफॉर्म प्लेयर है, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो स्ट्राइकर में। सुहेल को लाने के बाद भी ये बंदा कहाँ पे खिलाता है, ये बंदा इतना बड़ा लॉर्ड बंदा है, इसको विंग में खिलाता है। भाई सुहेल इज अ प्रॉपर नंबर 9, प्रॉपर नंबर 9 की तरह ट्रीट करो। सेकेंड ऑफ ऑल सुमित राठी, इस बंदे से इसको अलग ही खुन्नस है फर्नांडो को, क्योंकि ये बंदा एक प्रॉपर सेंटर बैक है। इसने कभी राइट बैक भी नहीं खेला, लेफ्ट बैक भी नहीं खेला, ना हवास के टाइम में खेला, ना ही कहीं पर खेला। बट सडनली आज सुभाषीष बोस जैसा इंडिया टीम का लेफ्ट बैक को सडनली उसने सेंटर बैक बना के उसने सुमित राठी को खिला दिया। अब लोग बोलेंगे कि भाई सुभाषीष ने तो अच्छा फुटबॉल, सुभाषीष अच्छा फुटबॉल खेला, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने खुद के पैरों पे इतना बड़ा कुल्हाड़ी एक लेफ्ट बैक पोजीशन में मार दिया था ऑलरेडी बाय प्लेइंग समवन लाइक सुमित राठी। ओपोनेंट जब 2 डिफेंडर के साथ उतर रहा है, यू नो दैट केरला ब्लास्टर्स डिफेंस विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और मोहन बगान के डिफेंडर्स भाई, 6 डिफेंडर्स डिफेंड कर रहे थे, डियामांड टाकोस आके 3-4 प्लेयर्स को ड्रिबल करके गोल मार रहा था भाई डिफेंस के। भाई मुझे मोहन बगान प्लेयर से एक सवाल है, यू गाइज आर गेटिंग पेड, तुमको पैसा मिल रहा है, तुमको 5-स्टार होटल का खाना मिल रहा है, तुम यहाँ पे आके इंजॉय कर रहे हो, यू आर गेटिंग द बेस्ट फैसिलिटीज इन इंडियन फुटबॉल जो हमारे इंडियन फुटबॉलर्स को कभी नहीं मिलता, यू आर गेटिंग द लाइमलाइट ऑफ लाइफ टाइम, तुम्हें पास कोलकाता का सबसे लॉयल फैन बेस है अलॉन्ग विथ ईस्ट बंगाल मोहम्मदन, मोहन बगान का सबसे लॉयल फैन बेस है अलॉन्ग विथ दिस टू, यू हैव दैट। तुम्हारे पास ऐसे फैंस है जो हर अगर तुम कल सुबह रहे बोलो भाई मुझे ये चाहिए, वो तुम्हारे हाथ में खड़ा कर देंगे। आफ्टर एवरीथिंग लाइक दिस देन ऑल्सो और एक चीज, यू आर द ओनली क्लब इन दिस होल लीग अपार्ट फ्रॉम ईस्ट बंगाल जिसके पास खुद का ट्रेनिंग ग्राउंड है, यू हैव द मोहन बगान मार्ट एज वेल। इतने सारे फैसिलिटीज के बाद इतना बुरा फुटबॉल कोई कैसे खेल सकता है। इन हाउ इन द अर्थ समवन कैन प्ले दिस अमाउंट ऑफ शिटी एस फुटबॉल After getting so many facilities, कैसे खेल सकता है। मोहन बगान के मैनेजमेंट ने सबसे जल्दी अपना प्री सीजन स्टार्ट किया था। प्री सीजन में क्या होता था, प्री सीजन में क्या सिनेमा देखा जाता था, या प्री सीजन में क्या वे पॉपकॉर्न खाते थे। और हमारे जो प्लेयर्स है वो जब भी 7 या 8 दिन का ब्रेक होता है ये थाईलैंड बैंकॉक क्यों चले जाते हैं भाई। फुटबॉल खेलने में कोई तकलीफ है क्या। अगर मैं अपने ऑफिस में जाके कह दूं कि भाई मुझे नहीं आना, 3 दिन का ब्रेक मिला है, मैं चला जा रहा हूँ भाई, मुझे कुछ काम फॉर्म नहीं करना, वो मुझे छोड़ देंगे सडनली। यू आर पेड टू प्ले फॉर द फुटबॉल क्लब फॉर अ 6 or 7 month पीरियड, जो इंडियन फुटबॉल में 6 से 7 month से ज्यादा फुटबॉल होता नहीं है। एंड दिस टीम प्लेज लाइक सच अ टीम के पास मिडफील्ड में क्रिएटिविटी इशूज भरे पड़े है। नंबर 1 जो क्रिएटिविटी इशू है वो तो बोल दिया था हुगो बुमू। नंबर 2 दिमित्री पेत्रातोस, उसको सडनली एक अटैकिंग मिडफील्डर बनाने की चुल मची हुई है इस टीम में।
जुआन जो बेसिकली जुआन फेरेंदो का अब चुल मचा है कि भाई दिमित्री पेत्रा तो जो पिछले साल का हाईएस्ट गोल स्कोरर था स्ट्राइकर पोजीशन में खेलते हुए, हाँ वो एक स्ट्राइकर नहीं है बिल्कुल मानता हूं, बट पिछले साल तो उसने 14 गोल मारे थे ना और बना भी था ना लीग का गोल्डन बूट विनर अलॉन्ग विद डिएगो मोनचियो और क्लेटन सिल्वा, तो उस बंदे को सडनली क्यों खिलाना? डिएगो तो अभी भी स्ट्राइकर खेल रहा है। मुझे पता है कि यू कैन प्ले टू स्ट्राइकर्स अप फ्रंट, अगर लगता है कि नहीं भाई मुझे एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर चाहिए बाय हिम, सादिकू और कमिंग्स दोनों को एक साथ खरीदने का मतलब क्या है और दोनों अभी तक फॉर्म में क्यों नहीं आए इसका जवाब कौन देगा? क्या फर्नांडो साहब देंगे इसका जवाब? इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए एक फॉरवर्ड का। इंडियन फुटबॉल में जब अगर मैं 10 करोड़ रुपए से किसी प्लेयर को खरीदू उसको यहां से बॉल लाके इस गोल से उस गोल तक दौड़ के 11 प्लेयर्स को ड्रिबल करके गोल मारना चाहिए। दिस शुड हैपन समथिंग लाइक दिस। मैं तो ये लोग को लग रहा है कि भाई ये क्या बंदा क्या क्या बातें बोल रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? भाई यू आर गेटिंग 10 करोड़, आई लीग के टीम्स का पूरा बजट होता है ये। मैं तुमको नहीं बोल रहा कि इस गोल से बॉल लेके, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था शायद गलत साउंड लगेगा, मैं नहीं बोल रहा कि गोलकीपर से बॉल लेके ड्रिबल करके मेसी की तरह वहां पे जाके गोल मारो। मैं एक इजी चीज बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट गोल के सामने तो आपका ड्रिबलिंग सही होना चाहिए। अगर आपको हाफ चांसेस मिलते हैं कन्वर्ट करना चाहिए। जेसन कमिंग से अच्छा बार्थोलोमी ओगबेचे 38 ओल्ड साल का बार्थोलोमी ओगबेचे मार देगा भाई गोल हाफ चांसेस से। ये बंदा दियामान ताकोस को देख के सीखना चाहिए। दियामान ताकोस को वो हाफ चांस भी नहीं था, दैट वाज अ 25% चांस और क्वार्टर चांस, वहां से लेके 3-4 प्लेयर्स को बंदा कट मार के गोल मार गया। मैं तो नहीं बोल रहा जुआन फर्नांडो को कि सर भाई कमिंग्स को बोलो कि कमिंग्स को मेसी की तरह इस गोलकीपर लेके बॉल लेके वहां पे जाके गोल करना है, 10 करोड़ का प्लेयर है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि बंदे का पॉजिटिविटी कहाँ है, बंदे का फिटनेस कहाँ है। बंदा तो ज्यादा यूट्यूब रील्स और फेसबुक रील्स में मैंने बंदे को देख लिया जितना मैंने बंदे को फुटबॉल खेलते हुए देखा। लोग बोलेंगे कि भाई 20 मैच में 10 गोल मारा है, 20 मैच में 10 गोल मारा है, कहां पे मारा है, कैसे मारा है, देखो ही हैज एब्सोल्युटली जीरो इंडिविजुअल ब्रिलियंस। उसके बाद आते हैं सादिकू भाई के, भाई ग्रैनिट जाका का कजिन है आर्मांडो सादिकू। बंदे का एक चीज में मानता हूं कोशिश कर रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि ही इज वॉश्ड, ही इज फिनिश्ड ना। बंदा कभी भी ठीक ठाक पोजीशन में नहीं पहुंच पाता। सबसे बड़ी बात है देखो भाई, डार्विन नूनेस लिवरपूल में खेलता है, बहुत चांसेस मिस करता है, बट मैं ये मानता हूं कि बंदा चांस पहुंच जाता है भाई, जहां पे गोल होता है मिस कर देता है ठीक है, बट पहुंच जाता है। ये दो झंड इंसान कहीं आसपास भी नहीं पहुंच पाते। ये जुआन फेरेंदो का हराम बल देखते देखते मेरा दिमाग सर पक चुका है और अभी भी लोग जुआन फेरेंदो बोल के दिमाग खा लेते हैं भाई। I don't know why our midfielders just don't exist. Midfielder exist करेंगे कैसे? You play in a 4-2-3-1 और a 3-5-2 formation, जहाँ पे midfielders proper होते हैं 2 या 3, वहाँ पे आप खिला रहे हो किसको? अनिरुद्ध थापा को, जिसको खुद को पता नहीं जी वो कौन सा पोजीशन खेल रहा है, क्योंकि अनिरुद्ध थापा एक ऐसा प्लेयर है। अब अनिरुद्ध थापा को फ्रॉड वॉच में डालने का टाइम आ गया है। वाई फ्रॉड वॉच में? ये बंदे को पहले कुछ मैचेस में बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था कि ये ठीक है बंदा CDM खेल रहा है, क्या ही कर लेगा, CDM में खेल रहा है बंदा, है तो बॉक्स टू बॉक्स। उसके बाद DLP खिलाया मोहन बगान ने, वहां पे भी मैंने छोड़ दिया कि ठीक है बंदा भाई खेल रहा है। उसके बाद उसको बॉक्स टू बॉक्स खिलाया, बंदा कहीं पे कभी भी नहीं चल रहा है। इस बंदे का काम क्या है? ये बंदा हर एक दिन आता है 100-150 मिस पासेस करता है चला जाता है भाई। ही इज लिटरली द पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फुटबॉल। और इन सब के लिए मैं प्लेयर्स को गाली नहीं दे रहा, प्लेयर्स से प्लेयर को डांट के, प्लेयर्स को बोल के, प्लेयर्स को समझा के, प्लेयर्स को समझा बुझा के कैसे भी हो अच्छा परफॉर्मेंस कौन निकलता है? कोच। और मोहन बगान मैं लिख के देता हूँ, मोहन बगान अगर कल जुआन फेरेंदो को सैक कर दे और उसके बाद किसी नए कोच को ले आए, ये टीम सडनली जीतना शुरू कर देगी। प्रॉब्लम टीम के देखो, प्रॉब्लम मैं बार बार बोलो, जुआन फेरेंदो जब हबास के जगह में आया था पहले उन्होंने कुछ मैचेस में ये कोशिश किया, टीम तुम्हारे पास है नहीं पोजिशन खिलाने वाला, पोजिशनल फुटबॉल खेलने वाली टीम मोहन बगान है ही नहीं। मोहन बगान लैक ऑफ आइडेंटिटी से जूझ रही है। सो इस टीम को बेस्ट होगा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खिलाना। डिफेंस तो तुम कर ही सकते हो ना, काउंटर अटैक में जाके गोल मार दो कुछ, एटलीस्ट इस सीजन को तो निकाल दो ऐसे, क्योंकि पोजिशनल फुटबॉल इस टीम से नहीं होगा। इस टीम के पास बहुत अच्छे इंडिविजुअल्स है, टीम फुटबॉल खेलने वाली टीम है ये है ही नहीं। टीम के 1000 प्रॉब्लम्स है। टीम का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर था आशिक कुरुनियन विंग में, इसको खरीदा गया ही था इसलिए, ये बंदा इंजर्ड होकर बाहर चला गया। लिस्टन कोलासो, ये लिस्टन कोलासो को तो ट्रीटमेंट देना चाहिए भाई, कि दिमाग का ट्रीटमेंट ले ले बंदा, सारा 4 मैच रेड कार्ड खा के पड़ा हुआ है। उसके बाद मनवीर एकमात्र ऐसा प्लेयर जिसको देख के लगता है कि बंदा खेल रहा है टीम के लिए। उसके बाद मिडफील्ड में और एक हमते एक बहुत अच्छा प्लेयर है। इफ यू रियली थिंक कि भाई मुझे लगता है मुझे क्रिएटिविटी चाहिए, व्हाई यू आर नॉट प्लेइंग हमते को? मोहन बगान इज ट्राइंग टू वेस्ट हमते, क्योंकि देखो हमते एक ऐसा फुटबॉलर है ना जो CDM नहीं है प्रॉपर,
ही इज नॉट दीपक टांगरी, वो सीडीएम में, पर मोहन बगान के सीडीएम खेलने ही बा क्या उखाड़ लेते हैं। अगर मोहन बगान 5-3-2 फॉर्मेशन खेलता है तब क्या डिफेंस तो सॉलिडिफाई होगा ना, कहां पे हो रहा है डिफेंस सॉलिडिफाई, बंदा इतना इतना गैप देके खेल रहा है। ये कॉमे पेपरा ने 5 बार ड्रिबल कर दिया आज आशीष राय को, और ये बंदा आशीष राय भाई हाउ ही इज अ फॉल्स फुटबॉलर। कुछ प्लेयर्स के इनस्टेप में प्रॉब्लम होता है, कुछ प्लेयर्स के पासिंग में वीकनेस होता है, इस बंदे का वीकनेस है फुटबॉल, इस बंदे का वीकनेस है फुटबॉल, ही इज अ फॉल्स फुटबॉलर भाई। ये बंदा कब लास्ट अच्छा खेला था मुझे याद नहीं, आशीष राय एक गोल मार दिया था हैदराबाद के अगेंस्ट, उसके अलावा तो मुझे याद भी नहीं है कब इस बंदे ने लास्ट अच्छा फुटबॉल खेला था। अभी भी चेंजेस करने होंगे, बाद में लेट हो जाएगा बहुत ज्यादा भाई, इस सीजन से कुछ नहीं होने वाला। इफ गोवा गो फॉर हुगो इट विल बी अ गुड साइन, हो सकता है भाई, मैं क्या बोलूं, हुगो सदी को रिलीज करके न्यू स्ट्राइकर सीडीएम, भाई स्ट्राइकर ऑलरेडी है तुम्हारे पास, वी डोंट नीड अ स्ट्राइकर, वी नीड अ सीडीएम एंड वी नीड अ विंगर, एक फॉरेन विंगर चाहिए, फॉरेनर विंगर, इंडियन नहीं फॉरेन विंगर चाहिए, जहां से भी करके हो ले आओ फॉरेन। भाई इस टीम के जो दो विंगर्स है आज, कियान नसीरी एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप स्ट्राइकर खिलाओ तो बहुत अच्छा खेलेगा, प्रॉपर राइट विंग खिलाओ तो अच्छा खेलेगा, प्रॉपर लेफ्ट विंग खिलाओ तब भी अच्छा खेल देगा। इस बंदे को हम एक 3-5-2 के फॉर्मेशन में एज अ विंग बैक खिला रहे थे। मुझे बोलो किसी एक कोच, इफ यू गाइस वर द कोच, मैं भी नहीं, आप लोग अगर कोच होते, कियान नसीरी का आपने फिजिकलिटी देखा है, बंदा बहुत दुगला पतला है, हु इन द राइट माइंड प्लेज हिम एज अ 3-5-2 फॉर्मेशन में एक विंग बैक कैसे आप खिला सकते हो, या एक वाइड मिडफील्डर कैसे खिला सकते हो। ये बंदा तो 90% ऑफ द मैचेस में केरला के प्लेयर्स ने इसको मैन हैंडल किया है, इसको मार धार के फेंक दिया है। ये बंदा अच्छा है कि भाई प्लेयर्स को अपने स्ट्रेंथ के पोजीशन में खिलाओ, व्हाई आरंट यू ऑप्टिंग फॉर अ 4-2-3-1 और अ 4-4-2 फॉर्मेशन, जो एटलीस्ट स्टेबल फॉर्मेशन है, और यहाँ पे समझ बूझ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है भाई, केरला को देख के सीख ले भाई, 4-4-2 खेलता है ये टीम 4-4-2 खेल के एटलीस्ट कॉम्पैक्ट होकर गोल नहीं खाती, ईस्ट बंगाल से सीख ले 4-4-2 खेल के गोल नहीं खाती, ये इस टीम तो ये हर एक दिन गोल खा रहा है, और कुछ क्रिएटिव इश्यूज भी नहीं। मैं ईस्ट बंगाल का तभी मान सकता हूँ कि भाई ईस्ट बंगाल गोल नहीं मार पाती, बहुत डिफेंसिव सेटअप है, केरला ज्यादा गोल नहीं मार रहे क्योंकि वो 4-4-2 खेल रहा है। तेरे पास क्या है एक्सक्यूज, तू गोल क्यों नहीं मार पा रहा, तू खेल भी नहीं रहा 4-4-2 में, मैं जो फॉर्मेशन बोला उससे गोल शायद कम हो, शायद 2-3 मैचेस में जाके 1-2-3 गोल हो, हर एक मैच में 1-0, 2-0 से जीत जाओ, जीत तो जाओगे। पिछले साल को ही देख लियो, दिस टीम नीड्स अ स्लावको दामियानोविच राइट नाउ। दामियानोविच नहीं आएगा, बट एक प्लेयर ऐसा लगेगा जो आउट एंड आउट, ब्रेंडन हैमिल को छोड़ो, हुगो बुमू को छोड़ो, और भाई जेसन कमिंग्स को छोड़ो, सादिकू को, मैं फिर से बोलता हूँ सादिकू को गेम टाइम दो, सब कुछ दो, ये बंदा गोल मारेगा, इसके पास है वो एबिलिटी। जेसन कमिंग्स के पास कोई एबिलिटी नहीं है भाई, ही इज अ वेरी डेंजरस प्रोपोजिशन राइट नाउ, 10 करोड़ का प्लेयर है, इवन इफ यू सेल हिम कहां पे सेल करोगे। ये बंदा एक सुपर टीम को, मोहन बगान का ना ये जो टीम है ना, ये एक सुपर टीम है, इसको लेके ये बंदा जो कर रहा है ना, मैं ये बिल्कुल लेहिया नहीं, जैसे जैसा इंडिविजुअल विजन नहीं दिखा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं भाई, इसके पास है नहीं सब प्लेस भाई, कोई जाके वीडियोस देख लो, जैसन कमिंग्स के बंदे के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस है नहीं, टीम को पास कुछ प्रोवाइड करेगा तो गोल करेगा ना, ये टीम कुछ प्रोवाइड भी नहीं करती। मोहन बगान का क्रिएटिव गेम बिल्कुल झंड पड़ा हुआ है, सहाल के अलावा इस टीम के पास कोई क्रिएटिव आउटलेट ही नहीं है। जो विंग बैक, जो दो फुल बैक्स है हमारे टीम के, सुभाषीष, वो एक तो अटैकिंग फुल बैक है नहीं सुभाषीष, और एक जो अटैकिंग फुल बैक है उसने अटैकिंग को छोड़ के हैदराबाद एफसी में छोड़ के मोहन बगान में आया था। मोहन बगान को सख्त जरूरत है एक फुल बैक की जिसके पास पेस हो और जिसके पास अटैकिंग एबिलिटीज हो। मोहन बगान नीड सेवियर गामा भाई, खरीद ले, आकाश सांगवान नहीं आएगा, उसको नहीं छोड़ेगा चेन्नई, सेवियर गामा को खरीद ले भाई, और चिंगलिंग साना सिंह को खरीद के भी कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम सेंटर बैक्स में नहीं है, हेक्टर यूज से ब्रेंडन हैमिल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है टीम के सेटअप में। 6 फॉरेनर्स जब खेलेंगे मोहन बगान तब भी इतना ही बुरा फुटबॉल खेलेगी। मोहन बगान के जो फॉरेनर्स है वो हाफ मैच फिट है, वो पूरी तरह से मैच फिट है ही नहीं मैच फिट। बाकी के फॉरेनर्स को देखो, ये साला फॉरेनर जाके वहां पे दिमित्री पेत्रातोस जाके वहां पे एक के बाद एक बॉल वहां पे 50-50 बॉल्स लूज कर रहा था। किस टीम का एक फॉरेनर जाके एक इंडियन प्लेयर के अगेंस्ट बॉल लूज करेगा, जाके रिटेन नहीं कर पाएगा। मोहन बगान के फॉरेनर्स नहीं कर पाए। मोहन बगान की टीम हो गई है ना, इट्स लाइक वो हैडी ब्रुक वाला साइनिंग हो गया एसआरएच का। ये बहुत पैसों से खरीद लिया है प्लेयर्स को, बट प्लेयर्स चल नहीं रहे। बहुत बहुत झाटू के टैक्टिक्स के साथ ये कोच खेल रहा है। मिलोस होर्मीबाम प्रीतम कोडाल कबीर वाटर डिफेंसिव लाइन एकदम, पर डिफेंसिव लाइन भी जितना अच्छा है, मोहन बगान ने तो कुछ टेस्ट भी नहीं किया। मोहन बगान ने तो जाने दिया भाई आज,
10 करोड़ कमिंग्स, बिल्कुल बिल्कुल नुआ भाई, नुआ क्या, मैं एक सच बात बोलू, सुनने में बुरा लगेगा, बट द ट्रूथ इज भाई, डैनियल चिमाचुकू अपने गेम में ज्यादा डालता है, मैं तो बोलता हूँ डैनियल चिमाचुकू को स्ट्राइकर बना दो मोहन बगान का, ये बंदा आके 7-8-9 गोल मार्च के चला जाएगा, रेदर देन जेसन कमिंस अरमांदो। जेसन कमिंस अरमांदो सादिकू के पास इंडिविजुअल, देखो भाई सादिकू के पास इंडिविजुअल टैलेंट है, मैं ये गाली फिर से नहीं दूंगा इस बंदे को, मैंने देखा है, बंदा फिनिश हो चुका है, इज नाउ अ ओल्ड प्लेयर हु इज वॉश्ड। आपको क्यों लगता है अल्बेनिया का हाईएस्ट ऑल टाइम गोल स्कोरर इंडिया में आके खेल रहा है? व्हाई? बिकॉज उसके पास वो पुराने वाली एबिलिटीज है नहीं। जेसन कमिंग से एक्सपेक्टेशन थी बंदा करेंट वर्ल्ड कप पर है, ये बंदा तो आके हग रहा है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा है। कर क्या रहा है बंदा, व्हाट इज इवन ट्राइंग टू डू, व्हाट इज माय ब्लड ट्राइंग, ये तो मोए मोए हो गया हमारे पूरे टीम के साथ इतना पैसा खर्च करके। भाई क्या बोलू क्या भाई, डू नॉट सैक जुआन, वेट फॉर द होल सीजन, सैक कमिंस और सादिकू। भाई कमिंस सादिकू, भाई कमिंस और सादिकू को सैक करने से जुआन को सैक करना इजी होगा। कमिंस और सादिकू को आप सैक कैसे करोगे, ये एक एक 10 करोड़ का साइनिंग है, एक 2-3 करोड़ का साइनिंग है, वो भी किस महीने में, यू हैव गिवन देम 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट, अब छोड़ने भी जाओगे तो 7-8 करोड़ वैसे ही देने पड़ेगा। मुझे आपको लगता है कि 7-8 करोड़ मोहन बगान मैनेजमेंट राइट नाउ दे देगी एक प्लेयर को सैक करने के लिए? डू यू थिंक लाइक दैट? और एट मोस्ट अरमांदो सादिकू, हुगो बुमू और ब्रेंडन हैमिल, इन तीनों को लात मिलने वाली है, हाई चांस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कमिंग्स रहने वाला है, 10 करोड़ से खरीदा है भाई, हाउ कैन यू लेट हिम गो? कमिंग्स रहेगा, पेत्रा तो उसको मैं रखूंगा टीम में, ही इज दैट गुड अ प्लेयर। उसके बाद आपको यूस्टे को रखना पड़ेगा, यू बॉट हिम दिस सीजन फ्रॉम ओमोनियो निकोसिया, आप सेल नहीं कर सकते उसको, 7-8 करोड़ देने पड़ेंगे। सो दिस 3 प्लेयर्स विल स्टे एनीवेज, सो आप 3 ही प्लेयर्स ले आ पाओगे, हु विल बी दैट 3 प्लेयर्स वो तो आपके ऊपर है, बाय बाय प्लेयर फ्रॉम एनीवेयर यू वांट, बट दैट्स द ट्रूथ भाई। भाई एमबीएसजी से एक सीख मिलता है फुटबॉल नहीं की सीख मिलता है पैसे से फुटबॉल नहीं खेला जाता, एएफसी का क्लब वैल्यू मोहन बगान टीम से उज्जवल, आई टोटली अग्री जेएफसी के साथ मोहन बगान का नाम। भाई मैं एक चीज कहूँ, 70 करोड़ में ना आप एक ऐसी टीम बना सकते हो जिसको वर्ल्ड में कोई नहीं हरा सकता, इंडिया में तो कोई नहीं हरा सकता। कैसे बना सकते हो? इजीली, एक कोच जिसके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि मुझे टीम को ऐसे खिलाना है। अगर आप सर्जियो लोबेला या देस बकिंघम या एल्बर्ट रोका के पास 70 करोड़ का रुपीज उनके हाथ में दे दो, डू यू थिंक वो एक ऐसा टीम बनाएंगे जो मैच जीत नहीं पाएगी? वो ऐसा टीम बनाएगी जिसको बाकी कोई छू भी नहीं पाएगी, छू भी नहीं पाएगी। मोहन बगान का जो स्क्वाड वैल्यू है, मोहन बगान के पास जो प्लेयर्स है, अगर ठीक ठाक टैक्टिकली एक सेटअप के अंदर डाल ले, आपको कोई लगता है कोई टीम आसपास भी है मोहन बगान के? इफ द मोहन बगान के जो ये सुपर टीम है, इसको अगर एक कोच ठीक ठाक टैक्टिक्स के अंदर ढाल दे और प्लेयर्स टैक्टिक्स को सूट कर दे, डू यू थिंक नोबडी इवन हैज अ चांस टू बीट मोहन बगान? मोहन बगान के प्लेयर्स जब अच्छा टैक्टिक से नहीं खेलेंगे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से मैच निकाल देंगे। ये बंदा ना प्लेयर्स को कोच कर पा रहा है, ना ये बंदा टीम का सेटअप बना पा रहा है, ना टैक्टिकल कुछ सेटअप है इस टीम का। ये टीम पूरी तरह से लॉन्ग बॉल खेल दो, अगर कमिंग्स के पैर में आ जाए या पेत्रातोस बॉल को होल्ड कर दे तो कुछ हो जाए। ये पूरा टीम लॉन्ग बॉल एंड इंशाल्लाह पे फुटबॉल खेल रही है। हम ट्रेंड को बोलते हैं क्रॉसिंग एंड इंशाल्लाह, ये भी वही सीन है। भगवान के हाथ में, अल्लाह के हाथ में छोड़ दो, बॉल को पिच अप कर दो, बॉल को हाई बॉल लॉन्ग बॉल दे दो भाई, कि मजाक है क्या? आशीष राय इज द वर्स्ट भाई, आशीष राय हैदराबाद का एजेंट है भाई, इसको यहाँ पे भेजा ही गया है यहाँ पे करने के लिए। साबित इतना मत नाचो भाई, इतना मत नाचो, अभी भी सेकंड राउंड में मैच है केरला का मोहन बगान के साथ, वो भी जॉलन में, वहां पे पिछले साल क्या हुआ था याद रखना। डोंट लाफ लाइक दैट भाई, क्यों जले में नमक दे रहे हो? थापा फेल्ड, हैज फेल्ड अ ट्रांसफर। भाई थापा को मैं प्रॉपर फ्रॉड वॉच में रख रहा हूँ, थापा इज इन अ प्रॉपर फ्रॉड वॉच। मुझे एक बात कहो, सहाल के अलावा इस सीजन का कौन सा साइनिंग चला है? अनवर चला है, अनवर को इंजरी मिल गया, सहाल वेरी गुड साइनिंग। आफ्टर दैट हु आर द रेस्ट ऑफ द साइनिंग्स? सादिकू, कमिंग्स, दोनों फ्लॉप। हेक्टर यूस्टे अभी भी एवरेज में रखूंगा, क्योंकि भाई बंदा अच्छा खेल रहा था, बुरा खेल रहा है। आफ्टर दैट और किसको खरीदा था इस टीम ने? इस टीम ने अटैक में और कुछ प्लेयर नहीं खरीदे, वोंट लाइ। मिडफील्ड में इस बंदे ने थापा को खरीदा, फ्लॉप चला गया, सहाल ठीक ठाक चला गया। डिफेंस में जाके इस टीम ने प्रॉपरली कुछ किया ही नहीं, होर्मी पंप को लाने की बात चल रही थी, उसको भी इस टीम ने नहीं खरीदा, जाने दिया। एक प्रॉपर सेंटर बैक बैकअप भी इस टीम के पास है नहीं। इस टीम के पास जितने भी प्लेयर्स है, इसको ये अंडर यूटिलाइज कर रहा है। इस टीम को जितने गाली दू उतना कम है, उतना कम है। एमबीएसजी मैनेजमेंट को कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? लाइक बीएफसी टू क्विक एक्शन। भाई बीएफसी ने क्विक एक्शन लिया, मोहन बगान का मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ये है, मोहन बगान के मैनेजमेंट में फुटबॉलिंग ब्रेन्स की बहुत कमी है, बहुत कमी।
देखो भाई संजीव गोयनका साहब बहुत अच्छे आदमी है, ही स्पेंड्स अ होल लॉट ऑफ मनी, वो जो भी बोलते हैं भाई, मैनेजमेंट जो फुटबॉलिंग मैनेजमेंट है वहां पे कौन बैठा हुआ है मुझे देखना है, क्योंकि मुझे याद है जब मोहन बागान की पुरानी वो पुरानी मैनेजमेंट थी, दे वर नॉट एट ऑल गुड, ठीक है, बहुत अनप्रोफेशनल सेटअप थी, बट उसमें भी जो टेक्निकल कमिटी थी वो टेक्निकल कमिटी बेसिकली 3-4 प्लेयर्स की टेक्निकल कमिटी होती थी जो प्लेयर्स को एटलीस्ट जज करता था, यहाँ पे तो वैसा कुछ है ही नहीं। टेक्निकल डायरेक्टर हवास है कहाँ पे, हवास को ना मैं स्टेडियम में देखता हूँ, हवास को ना मैं ट्रेनिंग में देखता हूँ, ना हवास ने किसी प्लेयर को स्काउट करके ले आया है, तो हवास यहाँ पे कर क्या रहा है टेक्निकल डायरेक्टर, जो टीम है वहां पे टीम का सेटअप क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, व्हाट इज द, भाई सबसे बड़ी बात है व्हाई विल द फैंस गो इन द स्टेडियम, 8 रात के 8 बजे को 10 बजे जब मैच खत्म होता है, व्हाई हाउ विल आई कम बैक फ्रॉम होम आफ्टर सीइंग दिस शिटी एस गेम, शिटी एस परफॉर्मेंस मैं कहां से लाऊं, मैं जानता हूं जो वाला स्टेडियम इज 20-25 मिनट्स अवे फ्रॉम माय होम बाय टेकिंग अ बस, बस से 20-25 मिनट दूर है मेरे घर से, मुझे 10 मिनट जाना पड़ेगा पैदल, उसके बाद बस में पकड़ के 25 मिनट लगेंगे, सही वही रात को ये जर्नी हो जाता है 40 से 45 से 1 घंटे 1.5 घंटे का, क्योंकि स्टेडियम से 30-40 हजार लोग आते हैं, वाई विल दे वॉच, टीम के पास ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना फैंस को कोई जवाब दे रहा है, ना प्लेयर्स का कोई, ना कोच, व्हाट इज द कोच डूइंग, मैं ये समझता कि कोच कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोच अपना सेटअप चेंज करके कुछ अलग ट्राई करता, ये बंदे ने पिछले दिन जो किया आज भी वही किया, ये बंदा कुछ एडिशनल नहीं करता, ये बंदा जो कर रहा था वहां पर कर रहा है। एंड गाइस जो लोग देख रहे हो भाई इतना गला फाड़ के इतना कुछ बोल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, सिर्फ वी आर 25 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम बीइंग अ 7000 सब्सक्राइबर चैनल, भाई नया साल आने वाला है कुछ सब्सक्राइब ही कर दो, टीम तो हार रही है, एटलीस्ट आप लोग तो मुझे डिसअपॉइंट मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए नए वीडियोस देखो, मजे लो, बट सब्सक्राइब तो कर लो, दिस इज द लीस्ट थिंग आई कैन आस्क फ्रॉम यू गाइस। कमिंग्स से सादिको के पास कोई बॉल कंट्रोल नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, यू कांट ब्लेम स्ट्राइकर, मिडफील्ड हैज नो क्रिएटिविटी, ना मिडफील्ड के पास क्रिएटिविटी है ना स्ट्राइकर के, भाई ये मैं एक चीज बोलूं, कितना टाइम हुगो बुमू के पास बॉल था, हुगो बुमू एक के बाद एक मिस पासेस बना रहा था, कौन टीम का अटैकिंग मिडफील्ड है, विक्टर रोड्रिगेस को देख के सीख ले भाई, विक्टर रोड्रिगेस मे नॉट बी क्वालिटी वाइज एज गुड एज बुमू, बट एटलीस्ट जो करता है वो तो ठीक ठाक से कर लेता है, मोहन बागान के बंदे देख रहा था क्रॉस डायगोनल थ्रू बॉल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक भी ठीक ठाक पास नहीं हो रहा था, फुटबॉलिंग बेसिक्स में कैसे गलती हो सकती है, मोहन बागान के जब दो विंग बैक जब उठ जा रहे हैं भाई, ट्रैक बैक भी करना पड़ता है 3-5-2 के फॉर्मेशन में, रीस जेम्स और चिलवेल से सीख ले भाई, जब चेल्सी खेलती थी 5-3-2 का फॉर्मेशन वो बंदे उठते थे बट उतर भी जाते थे, मोहन बागान का टीम टोटली एक कैओस के अंदर चल रहा है, गो एज यू लाइक, कभी मिडफील्डर्स में मारपीट, कभी डिफेंस में मारपीट, दीपक टांगरी किसी एक दिन किसी अच्छे इंडियन प्लेयर का करियर खत्म कर देगा भाई, हर एक दिन ऐसा ऐसा मार रहा है कि भाई मुझे डर लग रहा है कि भाई अब किस प्लेयर का करियर चला जाएगा डूबने, मैंने पहले ही बोला टू मेनी कुक्स बॉलिंग, भाई टू मेनी कुक्स का बात ही नहीं है, टू मेनी कुक्स का कहां बात है, ये टीम के पास ये प्रॉब्लम नहीं है टू मेनी कुक्स का, प्रॉब्लम ये है कि जो कुक कर रहा है एक ही कोच है, वो कोच कर क्या रहा है इस टीम के साथ, वेयर इज हिज टैक्टिक्स, 5 महीने हो गए भाई, अगस्त जुलाई के महीने से शुरू हुआ था हमारा सीजन, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने से कर क्या रहा है, अभी भी सेटअप नहीं आएगा, पहले 2 महीने में मैं ये सोच के छोड़ दिया, ठीक है भाई अभी भी टीम सेटल हो रहा है, टैक्टिक्स में जब बैठ जाएगा अच्छा, ये क्या झक मारने वाली टैक्टिक्स है भाई, अभी भी कह रहा हूँ अभी भी चांस है नए कोच को ले आके 2-3 ट्रांसफर करके जनवरी के महीने में सुपर कप को एज अ एक्सपेरिमेंटल टूर्नामेंट यूज करके अभी भी टीम लौटा सकती है, बट उसके लिए वो करना पड़ेगा ना भाई, जुआन करेक्ट यूज तो कर ही नहीं रहा, मुझे लगता है कोच से पहले कमिंग्स का सदी को रिलीज करना चाहिए भाई, 70 करोड़ नहीं होगा, 70 करोड़ लगेगा भाई, 70 करोड़ में नहीं भाई, 70 करोड़ नहीं लगेगा, सिर्फ 5 या 6 करोड़ रुपीस अगर ये टीम खर्चा कर दे ठीक ठाक जगह में, और कुछ ऐसे प्लेयर्स को बेच दे जिसको इस टीम को कोई जरूरत नहीं, ये टीम अभी भी अपने बैलेंस शीट को ठीक ठाक जगह से ठीक ठाक से खेल लेगा, टीम ने पैसा बहुत खर्च किया है बट एक भी सही जगह पे नहीं, सो दिस इज समथिंग दैट दे नीड टू, ब्रो यू आर रोस्टिंग बेटर देन कैरी मिनाटी, क्या करूं भाई, मेरे अंदर का कैरी मिनाटी जाग गया है इस टीम को देख के, ये अगर मोहन बागान एक सिनेमा है ना तो वो बेसिकली बॉम्बे वेलवेट है, मोहन बागान का गेम अगर कोई सिनेमा है तो बॉम्बे वेलवेट, कोई नहीं जाएगा हॉल में देखने, हम लोग जाते हैं क्योंकि होते ना शाहरुख खान का जीरो जो सिनेमा आया था जीरो, उस जीरो सिनेमा का तरह परफॉर्मेंस है मोहन बागान का, मोहन बहुत सारे शाहरुख फैंस और मोहन बागान फैंस चले जाते हैं स्टेडियम में टीम के नाम पे देखने के लिए, बट टोटल स्क्रीन पे टट्टी थी, टट्टी वो सिनेमा भी थी और मैं तो शाहरुख खान फैन भी हूँ भाई, जीरो टट्टी सिनेमा थी, उसके बाद भी हम लोग देखने गए थे
खैर वही मोहन बगान के साथ भी सेम चीज है भाई, टट्टी फुटबॉल खेलती है वो भी हमें देखना पड़ता है, मुझे तो और भी ज्यादा देखना पड़ता है क्योंकि मुझे तो रात में वीडियो रिव्यू करना है तो हर एक मैच ही मुझे देखना पड़ता है। और इंडियन फुटबॉल का क्वालिटी देखते देखते रात में मैं हर एक दिन प्रीमियर लीग वीडियोस का 5 मिनट का वीडियो देख लेता हूँ। इंडिया में इतना टट्टी फुटबॉल होता है ना, वो देखने के बाद मेरा आंख फाख सुन पड़ जाता है, इसलिए यूरोपियन फुटबॉल 5 मिनट देख के मैं अपना मन को शांत करके सो जाता हूँ। तो अदरवाइज ठीक है भाई, एंटीडोट है भाई, इंडियन फुटबॉल को देखना ही मुश्किल है। ये केरला और मुंबई का मैच मुझे याद है, व्हाट अ ब्रिलियंट मैच भाई, देख के मजा। आज का मैच निहायत ही टट्टी था और मोहन बगान का परफॉर्मेंस वाज लाइक विजय राज का वो कौवा बिरयानी वाला टट्टी वाला मोमेंट मुझे याद आ गया। सच शिटी एज परफॉर्मेंस भाई, सिर्फ जीएफ लेके इंडिया में घूमने आया है, यही अब यही करने आया जेसन कमिंग्स, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है भाई, कोई रीजन नहीं भाई। जेसन को मुंबई सिटी एफसी को सेल कर दो, उसने भी स्ट्राइकर की जरूरत है भाई। जेसन कमिंग्स को मुंबई में दे दू ना, जेसन कमिंग 20 गोल मार दे 10 मैचों में, मजाक नहीं कर रहा भाई, 20 गोल मार देगा बंदा 10 मैचों में, प्लेयर बुरा नहीं है भाई। मुझे एक चीज बताओ, ये बंदा पिछले साल लियोनेल मेसी के अगेंस्ट में खेल रहा था ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम के लिए, ये बंदा लिवरपूल के जो गोमेज के अगेंस्ट में 2 गोल, जो गोमेज और साला वहां पे जो प्लेयर खेल रहा है सेव वेंडनबर्ग सिमिकस के अगेंस्ट 2 गोल मार चुका, ये बंदा बुरा प्लेयर हो सकता है क्या? ये प्लेयर बुरा प्लेयर कैसे हो सकते हैं? He is a good player. ये कोच नहीं जानता कैसे इसको यूज करेगा और ये मैनेजमेंट इसको कंट्रोल करना नहीं जानती। मुझे कोई विश्वास नहीं करा सकता कि ये प्लेयर अच्छा नहीं है। ये बंदा साला लिवरपूल के अगेंस्ट 2 गोल मार चुका है, ये साला मेसी के अगेंस्ट खेल चुका है, ये बंदा कैसे बुरा हो सकता है? या कमिंग्स इज आउट एंड आउट स्ट्राइकर लाइक हॉलैंड विदाउट डेब्रुइना, तो इस टीम का डेब्रुइना तो साहली है भाई। हुगो रो रहा था मैच के बाद शायद, मैं नहीं जानता भाई, अगर ये बंदा भाई हम क्या कर रहे हैं, तू रो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? हम हर एक दिन जाके पैसे देके स्टेडियम में लोग जाके देखते हैं, इसके बाद भी जाएंगे? दे शुड मेक हवाज मैनेजर, ही विल डू बेटर। नहीं भाई 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 सुमित, तू ये मत कर भाई, आपको आपको हाथ पैर जोड़ रहा हूँ सुमित, आपके पास ये आइडियाज मत दो मोहन बगान मैनेजमेंट को, नहीं चाहिए हवाज का हराम बॉल। मैं फुटबॉल देखना छोड़ दू अगर हवाज का हराम बॉल मुझे देखना पड़ेगा भाई। डिफेंस क्वालिटी भाई, डिफेंस भाई कोई डिफेंस का क्वालिटी नहीं, डिफेंस मोहन बगान के पास एडिक्वेट प्लेयर्स है डिफेंस में। अनवर अगर इंजरी से लौट आता है यही टीम इससे अच्छा फुटबॉल खेलेगी, बट द ट्रूथ इज क्यों बुरा खेले इसका कोई आंसर तो होगा ना। जुआनिस फुल्ली एक्सपोज भाई, है तो फुल्ली एक्सपोज भाई, टीम नॉट गुड मैं मानता हूं भाई। हवास हवास क्या कर रहा है सिर्फ हवास जानता है भाई, मैं नहीं जानता भाई। जुआन को अगर मैं सुपर कप का टाइम दे दूं, मोहन बगान इस सीजन में ISL से कुछ नहीं ले जा रहा घर, सो द ओनली थिंग मोहन बगान कैन विन दिस सीजन इज सुपर कप। अगर जीत लेता है तो AFC क्वालिफिकेशन हो जाएगा। सुपर कप एक्सपेरिमेंट करो बट विद अ न्यू कोच। अगर जुआन के साथ आपको रहना है भाई, मैं नहीं जानता जुआन कैसे भाई, जुआन हैज लॉस्ट मी भाई। प्रीतम कोटाल को छोड़ भी दिया, अनवर का अच्छा बैकअप था भाई, होर्मी पम्प को खरीद लेता होर्मी पम्प को, ये बंदा वो भी नहीं खरीदा। मोहन बगान के पुराने लेजेंड्स को मैनेजमेंट में आना चाहिए, मोहन बगान के पुराने लेजेंड्स को स्टेडियम में क्यों नहीं आने देते, क्यों प्लेयर्स के साथ बात नहीं करने देते, इन सबके कोई आंसर्स नहीं है भाई। मोहन बगान सुपर जायंट्स का एक प्रॉपर DMF क्यों नहीं भाई, DMF साइन नहीं करेगा ये बंदा। ये बंदा क्या सोच रहा था ट्रांसफर मार्केट में जब इसने काल मक्यू को छोड़ा था, ये मुझे जानना है। अरबांदो सादिको की क्या जरूरत थी भाई जेसन कमिंग्स को खरीदने के बाद? पोजिशनिंग भाई, टोनी गेमिंग हैज कॉल्ड अ वेरी गुड थिंग, जो मैंने बाद में कहा था कि डार्विन नूनेस का एटलीस्ट पोजिशनिंग ठीक ठाक होता है। इस टीम के स्ट्राइकर्स पोजिशन में ही नहीं आते, चांसेस अगर आ भी जाते हैं पोजिशन में कहाँ होते हैं ये बंदे। इट्स हाई टाइम टू सैक जुआन दो, हमारा तो मैंने न्यू कोच नया मिरांडा के दिए, एटलीस्ट वो भी चलेगा। क्लिफर्ड मिरांडा को कोच बना दो, वास्तव ब्रॉय को कोच बना दो, अगर स्टॉप गैप कोच चाहिए तो संजय सेन को जो पहले मोहन बगान कोचिंग कर चुका है उनको कोच बना दो। अगर आपको जरूरत पड़ती है डायमंड हर्बर से किबू विकुना को हाफ सीजन के लिए कोच बना दो। मैं नहीं बोल रहा कि भाई इस सीजन में लॉन्ग टर्म कोच ले आओ, स्टॉप गैप किसी एक कोच को ले आओ जो मोहन बगान को मैनेज करा चुका है, मोहन बगान मैनेज करने का प्रेशर जानता है और मोहन बगान में सक्सेसफुल है। बोथ संजय सेन किबू विकुना सक्सेसफुल, यू कैन पुट देम। क्लिफर्ड मिरांडा सुपर कप विनर, उसके अंदर हमने नॉर्थ ईस्ट का मैच जीता भी था, यू कैन यूज हिम एज वेल। यूज समवन हु इज एटलीस्ट नोज द इंडियन फुटबॉल वेल भाई। अजर फ्रॉम एकेडमी has 94% pass completion with Thapa struggling भाई, ये सब का दोस्त तो कोच को ही लेना पड़ेगा ना, थोड़ा ही और कोई लेगा। आशीष राय सो कंफ्यूज प्लेइंग फर्स्ट टाइम बॉल, मुझे नहीं जानता भाई। मैं एक सच बात कहूँ भाई, जो लोग देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इतना कुछ बोल रहा हूँ 30 मिनट का शो कर रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब कर लो थोड़ा सा, क्योंकि गाइस आप लोगों के लिए शो कर रहा हूँ। नए साल में 7000 सब्सक्राइबर ले जाने की मेरी बहुत ख्वाहिश है, सो गाइस अगर पॉसिबल हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। हमारा ड्रीम खत्म हो गया है थोड़ा अपन,
हमारा टीम खत्म है, नो प्रॉब्लम। जेसन को एमयूएमसी को सेल करना चाहिए, शादी को बोले तुम लोगों के लिए काम आएगा भाई। केरला प्लेड विद ऑल इंडियन मिडफील्ड एंड कंट्रोल द गेम, इसीलिए तो मैं नहीं, इसीलिए तो मैं लेनिन ये बोल रहा हूँ भाई। लेनिन नाम देख के बहुत मजा आया, क्योंकि आई माई सेल्फ सी लेनिन एज वन ऑफ माई आइडल्स। लेनिन और चे गुएवारा, नेताजी सुभाष बोस एंड ऑल्सो द ग्रेट ग्रेट मैन हिमसेल्फ, ये इन तीनों आई आइडियलाइज देम। सो या इट्स गुड टू सी योर नेम, सो या इट्स गुड। ऑर्टिस शुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर विक्टर, मे बी भाई, बट अगेन मैं नहीं जानता भाई। जेसुस तातो साइनिंग हिम अलवारो वास्केस, भाई अलवारो वास्केस को भी अगर मोहन बगान साइन कर लेना, मोहन बगान का सीजन बन जाएगा। अभी भी मुझे लगता है ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जिस बंदे के पास वो एक्स फैक्टर हो ना। कमिंग्स के अंदर मुझे एक्स फैक्टर दिखा, ना किसी के अलग के अंदर। जो भी हो, आज के लिए इतना ही गाइस, टाटा, फिर मिलूंगा। 35 मिनट हो गया भाई, मेरा गला सूख गया है। टाटा, फिर मिलूंगा कल विद अ वीडियो अबाउट अ ट्रांसफर न्यूज। ट्रांसफर न्यूज भी करूंगा, एंड दूसरा और एक चीज करूंगा भाई, वो है और एक इंपॉर्टेंट चीज करूंगा, दैट इज वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द मैच ऑफ मुंबई एज वेल। मुंबई और जो चेन्नई का मैच है उसका भी रिव्यू करूंगा। सो डोंट आई लाइक आई वॉन्ट डिस्टर्ब ऑन जुआन बाई यू, बनाऊंगा भाई, वही वही निकल वही बात है। थैंक यू भाई, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल एज वेल भाई। ब्रिंग भाई, ये बंदा क्या बोल रहा है। आई डू आई हैव अ चांस टू प्ले आईएसएल इफ आई स्टार्ट फुटबॉल जर्नी आफ्टर 18। वीडियो बनाना पड़ेगा ना भाई, बनाऊंगा कभी। गाइज आज के लिए तो टाटा, थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग जर्सी डेविल। अगर पॉसिबल हो तो आई विल मेक अ वीडियो, डोंट वरी डोंट वरी। कैन एनयूएफसी साइन अलवारो वास्केस भाई, सब वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा वेट कर जाओ। आज के लिए इतना ही रहने दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो मिस ना करो। जो लोग पहली बार देख रहे हो वो और भी ज्यादा सब्सक्राइब करो, बिकॉज यू विल नॉट गेट टू सी द रिमेनिंग वीडियोज अगर आज सब्सक्राइब नहीं करते तो। कर लो, टाटा।